नहीं तो देश कैसे बचेगा? हाँ, देश चोरों के हाथ में है, ये देश कायर के हाथ में है, ये देश तानाशाह के हाथ में है। हाँ, हम गांधी के सिपाही इस देश को बचाने निकले हैं। कुछ कर पाएंगे इस बार? हाँ, इनका छुपाया करना, सुबह साफ करना है। तो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं मोदी जी। अच्छा, क्योंकि विपक्ष को आगे बढ़ना ही नहीं साथ रखते हैं। हाँ, हमारा जो नेता है न्याय की बात कर रहा है, पूरे देश को जोड़ रहा है। हाँ, जेवर तक बेच देंगे और हम जीत के दिखाएंगे। हाँ, जो है सरकार बदलेगा और कांग्रेस की सरकार आएगी, इसके बाद जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज पब्लिक ने मन बना लिया है कि इस बार इनकी उल्टी गिनती शुरू है, ये देखने को मिलेगा। वोट पड़ेंगे तो पता चल जाएगा। जब जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। देखिए कांग्रेस कार्यालय का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और कहा गया है भाई 1800 करोड़ का पेनाल्टी लगाया। इस समय सड़कों पर है, सड़कों पर चल जाओ, आगे बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस की हत्या बंद करो कह रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और ये आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे रोक दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। कहां तक जा पाएंगे ये देखना अहम है। हम और आप देख रहे हैं। देखिए फिर से बैरिकेडिंग पार करने का पूरा प्रोसेस हो रहा है। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? योगी मोदी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। जिस तरह हमारे देश में अन्याय हो रहा है, लूट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके खिलाफ हाँ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रहेगी। और आपका जो खाता सीज कर दिए, इनकी सरकार है, अन्याय कर रहे हैं। हाँ, देश के जनता को लूट रहे हैं, गरीबों हाँ को लूट रहे हैं। हाँ, इस हिसाब से जो है देश नहीं चलता है। पेनाल्टी भी लगा दी 1800 करोड़ का लगा, जो जो मर्जी हो तो 56 करोड़ रुपए जो है उनसे भी ले लिए हैं। हाँ, जो दवा इंजेक्शन लगाने वाली कंपनी थे सीरम इंस्टीट्यूट, सबको पानी पानी भर भर करके इंजेक्शन लगवाया गया। लोगों हाँ का हार्ट अटैक पड़ रहा है। हाँ, तो बड़ी दर्दनाक। मुख्तार अंसारी जी को भी हार्ट अटैक पड़ गया। हम कह रहे हैं गुंडा के लिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन सरकार बदलना चाहिए, सभी पार्टियों के गुंडा समाप्त होने चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी कर पाएंगे? बिल्कुल होगा, 100% होगा। क्या कहेंगे, राहुल गांधी कर पाएंगे? अवश्य कर पाएंगे। इस बार इनका छुपाया करना, सुबह साफ करना है। तो अकाउंट तो सीज कर दिए ना आपका जी? अकाउंट सीज कर दिया आपका? हाँ, अरे किसको किसको सीज करेंगे? ये विपक्ष को खत्म करने की पूरी पूरी मंशा है। हाँ, अरे भाई, 2 महीने पहले हमारे खाते सीज किए गए हैं ताकि हम विपक्ष को बिना लड़ाई के बाहर ही करना, उनका एक बात इरादा है। ये डिक्टेटरशिप है, लेकिन कांग्रेस इसे पूरी ताकत से लड़ेगी और इनको 250 पे रिड्यूस करेगी। हाँ, इन चीजों से डरने वाले नहीं है। अच्छा, कांग्रेस इस समय प्रदर्शन पे है और इंडिया गठबंधन के लोग नहीं आए आपके सपोर्ट में? गठबंधन साथ चल रहा है, चुनाव स्विंग चल रहा है, जिसकी वजह से गठबंधन अपने गठबंधन के रविदास मेहरोत्रा जी अपने क्षेत्र में है। हाँ, हम इस मोर्चे में है, उनका हमें समर्थन प्राप्त है, समर्थन करते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे चाचा? देखिए 1800 करोड़ का पेनाल्टी लगा दिया है आप पे, क्या कहेंगे? कैसा लोकतंत्र है? सरकार नहीं है। हाँ, ये गुंडा माफियाओं का शासन तंत्र चल रहा है। हाँ, जो जबरदस्ती जो CBI और ED का छापा मारकर और चंदा वसूलते हैं। हाँ, तो हम लोगों पर जो है ये इनकम टैक्स का नोटिस भेज रहे
रहे। हाँ बताइए, इसके पहले आज तक हाँ देश आजाद हुआ किसी पार्टी ने कोई इनकम टैक्स दिया है? हाँ बीजेपी आज तक कितना इनकम टैक्स दिया है? फिर हमारे ऊपर क्यों लगाया जा रहा है? पुराना मामला आपका उठा दिए हैं, पुराना उठा दिए तो उनका नया तो उठाएं। किसी पार्टी ने जब से देश बनी हाँ किसी ने इनकम टैक्स दिया है? हाँ। नहीं दिया तो कांग्रेस को ही क्यों रोका जा रहा है? हाँ। कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है? सबकी जिंदगी जी ली जा रही है। हाँ। जो दवा कंपनियां हैं उन पर सिंपल फेल हो गए और उनसे पैसा वसूल करके हाँ। वो जो है सभी स्टैंडर्ड दवाइयां मार्केट में डाल दी गई और लोगों की जान से खिलवाड़ हो रही है। हर जगह खिलवाड़ हो रहा है, हर जगह जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। हाँ। ऐसी सरकार क्या करेंगे तो आप? ऐसी सरकार अब देख रहे हो, ये हुजूम देख रहे हो। हाँ। ये हुजूम जो है सरकार बदलेगा और कांग्रेस की सरकार आएगी, इसके बाद जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, कांग्रेस की सरकार आनी है कह रहे हैं और विरोध प्रदर्शन पे आ चुके हैं, क्या कहेंगे सर? क्या लग रहा है 1800 करोड़ का पेनाल्टी लगा दिया है कांग्रेस पार्टी पे? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हमको चुनाव तक नहीं लड़ने दिया जा रहा है। देखिए ये सब ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है, जिस प्रकार से इन्होंने ये पेनाल्टी लगाई है। हाँ। ये समझ लीजिए कि इनकी बौखलाहट क्या ये पराकाष्ठा है। हाँ। अब ये घरों में जा करके हर तरह से आर्थिक रूप से पाबंदी लगा करके ये निष्पक्ष चुनाव को रोकना चाहते हैं, लोकतंत्र को मारना चाहते हैं। लेकिन चुनाव होकर के जाके पब्लिक ने मन बना लिया है कि इस बार इनकी उल्टी गिनती शुरू है, ये देखने को मिलेगा। वोट पड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि चाहे पाबंदियां जितनी भी लगाइए, एक एक पैसे पे रोक लगा दीजिए कि भारत का एक एक कार्यकर्ता इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इस बार सरकार पलटेगी और किसी भी कीमत पर पलट के रहेगी। कह रहे हैं पलट के रहेगी, सरकार पलटेगी तो नई सरकार आएगी, लेकिन क्या सरकार पलटेगी इसमें हम और भी आगे बात करेंगे। बैरिकेडिंग क्यों एकदम छेक चुके हैं लोग, क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर लगातार जो है, क्या कहेंगी मैडम? देखिए आप लोग पे ये बताइए, 1800 करोड़ का पेनाल्टी लगा दिए है, यहाँ प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगी? यही कहेंगे कहीं ना कहीं डरे हुए हैं मोदी जी। अच्छा, क्योंकि विपक्ष को आगे बढ़ना ही नहीं साथ रखते हैं। हाँ। तो हमारा जो नेता है न्याय की बात कर रहा है, पूरे देश को जोड़ रहा है। हाँ। कहीं कहीं डरे हुए हैं, इसीलिए सभी देखिए आप आम आदमी पार्टी दिल्ली में केजरीवाल को ये सबको इन्होंने ये तानाशाही और रवैया अपना रहे हैं। हाँ। ये बहुत गलत है, इसकी सजा इन्हें मिलेगी और 24 में हमारा इंडिया गठबंधन ही सरकार बना रहा। कैसे चुनाव लड़ेंगे? आपका तो खाता ही सीज कर दे रहे हैं। तो क्या हुआ, जनता हमारे साथ है ना। हाँ। हम अपने घर के जेवर तक बेच देंगे और हम जीत के दिखाएंगे। हाँ। लोकतंत्र की घर के एक एक पैसा अपना लगा देंगे, लेकिन लोकतंत्र को बचाएंगे। इस जनता के लिए हम लोग लड़ेंगे, इस जनता के लिए लड़ रहा हमारा नेता लड़ रहा है और हम लोग इस जनता के लिए लड़ रहे हैं जी। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन पे उतर आई है और कह रही है कि ये सरकार बदलनी है। देख रहे हैं कि हम लोग इनका विरोध करते हैं, इनका जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। देखिए जिंदाबाद, देखिए क्या कहेंगे। ये सरकार जो है इनकम टैक्स की नोटिस भेज रही है आपको और फिर आपका चुनाव खाता सीज कर दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? जिस हिसाब से सरकार के द्वारा लोकतंत्र की हत्या खुलेआम करी जा रही है। हाँ। किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस तरीके से नोटिस देना ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है। हाँ। ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि आम डेमोक्रेसी की हत्या करी जा रही है, लोकतंत्र की हत्या है ये। बिल्कुल लोकतंत्र। तो कैसे लड़ेंगे अपनी लड़ाई, कैसे लड़ेंगे चुनाव? लड़ेंगे युवा के दम पर लड़ेंगे, महिला के दम पर लड़ेंगे, बेरोजगारी की एक उम्मीद, रोजगार की एक उम्मीद इस देश को पैदा करेंगे, इस दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, लड़ेंगे नहीं तो देश कैसे बचेगा? हाँ। देश चोरों के हाथ में है, ये देश कायर के हाथ में है, ये देश तानाशाह के हाथ में है। हाँ। हम गांधी के सिपाही इस देश को बचाने निकले हैं। हाँ। निश्चित रूप से गांधी के सिपाही जीतेंगे, गोडसे के कायर सिपाही हारेंगे। तो बिना फंड के कैसे जीतेंगे? सीज तो कर दिया खाता, से पैसा लेंगे, चंदा लेंगे, भीख मांगेंगे, लेकिन देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करेंगे। और कैसे लड़ेंगे जब आपका खाता सीज कर दिया गया है? हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से मुंबई तक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है। हाँ। हम अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चंदा लेकर के चुनाव लड़ेंगे। हाँ। हम कांग्रेस पार्टी के वो लोग हैं कि आजादी की लड़ाई उन्होंने जेवर बेच के, अपने घर द्वार बेच के आजादी की लड़ाई लड़ी। हाँ। अंग्रेजों को भगाया, ये मोदियों सब क्या है। तो चुनाव लड़िए, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन क्यों नहीं करेंगे, ये हमारा क्या जरूरत है प्रदर्शन का? क्यों हम प्रदर्शन क्यों नहीं करेंगे? हाँ।
हाँ सारी पार्टियों करें, भाजपा करें सबसे पहले तो हाँ, बीजेपी का कर दे तो फिर करें तो मान लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार के इशारे पर इनकम टैक्स ने जो कांग्रेस को नोटिस दे करके खाता सीज करने का प्रयास कर रही है, 1800 करोड़ का पेनाल्टी भी लगा दी, 1800 पेनाल्टी लगा दिया करो हाँ। और इसके बाद हम लोग कांग्रेस जन पूरे देश में आज सभी जनपदों में हाँ। इनकम टैक्स कार्यालय का घेराव कर रहे हैं हाँ। हम लोग लोकतंत्र को बनाने वाले हैं हाँ। संविधान बनाने वाले हैं, उसकी रक्षा करने वाले हैं। तो चुनाव की तैयारी क्यों नहीं कर रहे, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हाँ। पता है हाँ। लोग पदस्थ हो रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को इस तरीके के हथकंडों में फंसाने का काम कर रहे हैं हाँ। उलझाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जन हाँ। राहुल गांधी का सिपाही है हाँ। प्रियंका गांधी का सिपाही इंडिया है। इंडिया गठबंधन वाले क्यों नहीं आए यहाँ पे, सपा और तमाम लेफ्ट पार्टियां? क्या था ये, कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला है हाँ। कांग्रेस जन ही काफी है, लेकिन सपोर्ट करने नहीं आ सकता था? सपोर्ट करने हमारा उनका गठबंधन है हाँ। चुनाव का गठबंधन है हाँ। हम लोग संगठन के माध्यम से पूरे देश में उनके ईट से बजाने का काम करेंगे।